जामुल नगर पालिका परिषद के वार्ड 4 में नव निर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां की जनता ने उन्हें आप बीती बताते हुए कहा कि हमारे वार्ड में बिल्डरों ने मकान बनाकर बेच दिया है, लेकिन नाली पानी बिजली की कोई सुविधा ही नहीं है। बरसात के समय पानी हमारे घरों में घुस रहा है। वहीं ईश्वर ठाकुर ने कहा कि हम इन बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पानी ये सब हमारे को सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, बिजली का खम्भा चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, बस यही सब हम लोग को चाहिए। मकान तो जो बन के मिला है मिल गया है, ये सब सुविधा होता भी हम लोग का हो रहेगा। कॉलेजर तो अपनी बिल्डिंग बेच के अपना प्लाट बेच के चले गए, अब उनको खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? बना के दिया उन्होंने हमसे, नहीं बनवा कर ही दिया है। जय सवाल। सुविधा में जो प्लाट काट के दिया गया था, मैं सनोज चौधरी से प्लाट लिया था, वो प्लाट लेते समय सब कुछ बताया गया कि आपको बढ़िया रोड नाली और बिजली भी यहाँ आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब मैं मकान बना लिया, बड़ी मशक्क़त के साथ मैंने मकान बना लिया, लेकिन एक साल पिछली साल भी बारिश में हम लोग पानी में ही रहे हैं। सबको आगाह किया, मैंने सनोज चौधरी को भी बताया, पार्षद को भी बताया, सबको बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इस साल भी वही हालत है, न तो पानी, बिजली विभाग में जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि जो कॉलोनाइजर आपका प्लाट काट के दिया है वो, और वहाँ पे यहाँ पे एक अपना जो बिल्डर हैं वो अपनी बिल्डिंग अलग से बना रहे हैं, तो बिजली विभाग बोल रहा है कि वो दोनों लोग आए यहाँ पे, सनोज चौधरी और बिल्डर दोनों लोग आकर के यहाँ मिले और उनसे हम बात करें, तब इसके बाद हम बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं, अन्यथा कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। हम निराश होकर वहाँ से वापस लौट आए। तो क्या चाहते हैं, प्लाटिंग करके गुमराह कर दिया आप लोगों को? हम लोगों को प्लाटिंग करके गुमराह कर, मैं पिछले साल भी सनोज चौधरी से पूछा गया, भैया पानी निकलने का रास्ता तो बता दीजिए, क्योंकि नंदिनी रोड से नीचे की साइड में सागवान बाड़ी की तरह पानी इलाके में पूरा पानी हमारे घर के पास में आकर के गंदा पानी आके भर रहा है और उसी गंदे पानी में हम लोगों का आना जाना होता है। आज सुबह से 3-4 बार, अभी मैं पालिका में बैठा था, सुबह से हमारे भाई साहब जो है इस कॉलोनी में रहने वाले, इन्होंने 3-4 बार फोन की, भाई साहब हमारे घर के सामने में पूरा पानी भर गया है और यहाँ नाली की सुविधा नहीं है, पानी बहुत जाम हो गया है, तो मेरे को आना पड़ा और यहाँ आके देख रहा हूँ, यहाँ की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ तो घर तो बन गया, ना नाली की व्यवस्था, ना बिजली की कोई सुविधा नहीं है। जमीन का प्लॉटिंग करने वाले आए, प्लॉटिंग किए और बेच के इनको निकल गए, जबकि इनको अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इनसे पूछा क्या आप बोले हैं, तो बोले यहाँ नाली की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे। और ये हमारे भाई साहब हैं जो रिटायर हैं आर्मी से और इन्होंने आके यहाँ घर खरीदा है और यहाँ देखिए क्या स्थिति है, छोटे बच्चे लोग अगर यहाँ सामने में आएंगे ना तो भी घटना घर घुस सकती है और यहाँ घरों में पानी घुस रहा है, तो ये जो हुआ है बहुत बदतर स्थिति है। और मैं बोलना चाहूँगा ऐसे प्लाटिंग करने वालों को आगाह करना चाहूँगा, जामुल में जो हुआ अब हुआ, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं उनको चिन्हित करना चाहूँगा जो भी किए हैं, आम पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ के उनके गाढ़ी कमाई होती, मेहनत की कमाई, उनकी कमाई को लूट मार कर उनको आगाह करना चाहूँगा कि जामुल भी ये सब नहीं चलेगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसका जो व्यवस्था बनाना है ये व्यवस्था भी बनाएंगे हम। आज इनको आश्वासन देके नहीं, इनको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में जैसा भी होगा जो सुविधा होगी इनको सुविधा देंगे और इनको एक सुंदर वातावरण में रहने के लिए वातावरण बनाएंगे। बिल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्डर के ऊपर जो लीगल कार्रवाई होती है प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से उस कार्रवाई को अंजाम देंगे। अभी देखते हैं कौन बिल्डर है जो यहाँ बिना परमिशन का इतनी बड़ी बिल्डिंगे बना के भेज दिए हैं और ये बहुत पहले से ही ये सागवान बाड़ी के नाम से मशहूर है, ये इसको सागवान बाड़ी, जामुल का सागवान बाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत दिनों बाद मैं इनके बुलावे पर आया हूँ, आज देखता हूँ कि पूरे सागवान का पेड़ कट गया है और यहाँ शासन प्रशासन पिछले जो निकला है समय उसमें कोई ने संज्ञान नहीं ली। आज हमारे देश के जो रक्षा करने वाले ऐसे लोग आके यहाँ बन के बूथ बन के बैठ के अपने गाड़ी कमाई को खर्चा करके बैठ गया है। मैं सारे बिल्डरों को और ऐसे जो गलत काम करने वाले हैं, जो आम पब्लिक की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले हैं गलत बोल के, उनको आगाह करना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब जामुल में वो भर रहा चाहिए और ऐसा गंदा घिनौना काम नहीं होगा जो आम लोगों की जेब को हल्का करके उनको एक दिक्कत में डाले।